वेलकम टू द चैनल स्मार्ट लर्निंग एकेडमी गाइस, दिस इज अजय कुमार नामदेव और मैं यहाँ पर आपके लिए लेकर आया चैनल एप्टीट्यूड का लेक्चर 6 जो कि डीबीटी क्रैश कोर्स सीरीज का पार्ट है जो हम डीबीटी 2020 एक्सपायरेंट के लिए चला रहे हैं। एंड गाइस, दिस इज एक्चुअली अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी फॉर दोज पीपल हु आर यू नो प्रिपेयरिंग फॉर डीबीटी 2020 टू गेट सम इनसाइट्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड फॉर जनरल एप्टीट्यूड ऑल्सो। दिस लेक्चर्स कैन बी वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज बिकॉज डीबीटी के रिपीट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एज आई हैव शोन यू अर्लियर ऑल्सो। So please just listen to me and DBT previous year questions can be very very much helpful for you guys. So यहाँ से हम start करते हैं questions की ओर. Okay. If a rectangle was called a circle a point a triangle square, the shape of a wheel would be. Now simple सा question है कि क्या बोला है कि एक rectangle है. Rectangle was called a circle. Circle called a point. Point a triangle and a triangle a square. Let's suppose this is a rectangle, so this must be like this only and a square. Now आपसे पूछा क्या है, the shape of a wheel would be. The shape of a wheel, shape of a wheel कैसा होता है? Circular, or we can say circle. Circle को हम क्या बोलते हैं? Point. So this is your, इतना ही इजी है, ये से ज्यादा कुछ नहीं है। आपको ज्यादा दिमाग ही लगाने की जरूरत है कि सर्कल को पॉइंट बोलते हैं लेकिन आप पॉइंट को ट्रायंगल बोलते हैं, यहां ये गलती नहीं करना है। सिर्फ सर्कल को क्या बोलते हैं? पॉइंट, और पॉइंट आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि पॉइंट को आप ट्रायंगल बोलते हैं, ट्रायंगल को स्क्वायर बोलते हैं तो आपका आंसर स्क्वायर होगा या ट्रायंगल होगा, ऐसा कुछ नहीं करना है। ये बहुत ही सिंपल है, सिंपल एक पॉइंट पे एक सर्कल को अगर पॉइंट बोला जाता है, आपको सर्कल का पूछा गया है तो आप सीधा पॉइंट को आंसर लगा देंगे। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Six person A, B, C, D, E and F are standing in a circle facing the center of the circle. B is between F and C, A is between E and D, F is to the left of D. Who is between A and F? Now, सबसे पहली बात, सर्कल में बैठे हैं छह लोग बैठे हैं, ठीक है? So छह लोगों के लिए आप बना लीजिए। Now these are for the six people. क्या बोला गया है? Six person A, B, C, D, E and F are standing in a circle, ठीक है? Facing the center of the circle. सब center की तरफ face कर रहे हैं, मतलब सबका left एक जैसा ही होना है। So B is between F and C. B is between F and C. लेकिन इसकी दो positions हो सकती हैं। ये इस तरीके से भी हो सकता है। तो अभी हम लिखेंगे, लेकिन आप बस इस तरीके लिख लीजिए कि B is between F and C and B is between F and C. ये भी दोनों same चीज लिखी हुई है। Now second statement क्या है? A is between E and D. A is between E and D. So, ये भी दो लोगों के बीच में इस तरीके से रख सकते हैं। डी एंड डी को भी आगे पीछे पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस कैन बी रिटन एज दिस ओनली। नाउ एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। ये डिसाइड करेगा कि हमें किस तरीके का अरेंजमेंट रखना है। एफ कहां पर है? लेफ्ट ऑफ डी के, ठीक है? सो सपोज की डी यहां पर है, ठीक है? इसका लेफ्ट कहां होगा? इस तरफ, एफ इज टू द लेफ्ट ऑफ डी। यहां पर आया एफ, एफ के बाद क्या आएगा? बी एंड सी। सो बी एंड सी। सिमिलरली डी के बाद क्या है? ए एंड ई। ये वाला है, डी के बाद क्या आता है? ए एंड ई। एफ के बाद क्या आता है? बी एंड सी। सो दिस विल बी लाइक दिस। यहाँ पे आप सारी कंडीशन आपकी सेटिस्फाई हो रही हैं। बी इज बिटवीन एफ एंड सी एंड ए इज बिटवीन ई एंड डी, सब सेटिस्फाई हो रहा है। सो दिस इज योर फाइनल अरेंजमेंट। नाउ आपसे पूछा गया है हु इज बिटवीन ए एंड एफ। ए और एफ के बीच में कौन आ रहा है? डी। दिस इज योर आंसर। आपको ये दो पॉसिबिलिटीज लेके चलनी पड़ेंगी दोनों केसेस में। आप किसी एक पॉसिबिलिटी पे रख के चलेंगे, आपका आंसर गलत होने के चांसेस भी हैं। नाउ दिस इज अ बेस चेंज क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। जहां पे डेसिमल्स वगैरह होते हैं या फाइव बेस फाइव बेस सिक्स बेस सेवन अलग अलग होते हैं, तो यहाँ पे बेस फाइव और बेस टेन की बात की गई है। इफ अ काउंटिंग वॉज डन इन बेस फाइव इंस्टेड ऑफ टेन, सो दैट एफ इन बेस टेन कुड बी रिटन एज टेन इन बेस फाइव, 6 in base 10 would be written as 11 in base 5, then 18 in base 10 will be written as which of the following numbers in base 5? Now, सबसे पहले क्या बात करेंगे? Base 5 और base 10 में। Base 5 में क्या लिखा हुआ है? Base 5 में क्या लिखा है कि so that 5 in base 10 would be written as, अगर base 10 में वो 5 है तो base 5 में वो 10 हो जाता है। Base 10 में अगर वो 6 है तो base 5 में वो 11 हो जाता है। और base 10 में अगर वो 89 है तो base 5 में कितना होगा? ये आपको पूछा गया है। Now, सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस तरीके से बेस 10 को बेस 5 में कन्वर्ट किया जाता है। आपको कुछ नहीं करना है। लेट सपोज कि 5 को बेस 10 में कन्वर्ट करना है,
ठीक है, सॉरी बेस 10 5 को बेस 5 में कन्वर्ट करना है। तो अब जिस भी बेस में कन्वर्ट करना होता है आप उससे सबसे पहले डिवाइड करेंगे, ठीक है। सपोज 5 को डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, यहां पे एक लाइन खींच लीजिए 5 1 जा 5, ठीक है। रिमाइंडर क्या आएगा आपके पास, 0, तो आप 0 लिख देंगे और 1 जो रिमाइंडर अब बचेगा यहां पे, आप 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे तो हमेशा 1 रिमाइंडर बचेगा, तो द 1 विल द रिमाइंडर, तो दिस विल बी लाइक दिस होंगी। और आप इसको पीछे से लिखना चालू करेंगे 1 एंड 0, सो दिस इज योर 5 इन बेस 10, बेस 5, बेस 5 जो मैं हम 5 को 10 लिखते हैं। सिमिलरली फॉर 6 आल्सो, 6 के लिए भी ऐसे ही करेंगे, आप इसे 5 से डिवाइड कीजिए, 5 1 जा 5, रिमाइंडर कितना बचा 1, और 1 जो रिमाइंडर बच रहा है अब आप 1 को 5 से डिवाइड करते जाएंगे हमेशा 1 ही रिमाइंडर बचना है, सो 1 विल बी हियर ओनली। तो आप इसको पीछे से लिखिए 1 एंड 1, सो 6 को बेस 5 में 11 बोलेंगे, 11 या 11 जो भी आप बोलना चाहें, 11 ही बोलते हैं वैसे, क्योंकि यहाँ पे 11 जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। बेस 5 में जो आपके पास वैल्यूज होती है वो होती है 0 1 2 3 एंड 4, और बेस 10 में जो हमारे पास होती है वो होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, सो दीज आर द 10 वैल्यूज जो कि हमारे पास बेस 10 में होती है, इसे डेसिमल सिस्टम कहा जाता है। नाउ फॉर 89 यू विल सी 89 के हम क्या करेंगे, 89 को भी हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे 89 को तो कितने टाइम्स जाता है, 5 into 17, 17 5 से 85, तो यहाँ लिखेंगे हम 17, अब यहाँ पे देखिए 17 5 होता है 85, तो 89 minus 85 would be, sorry, 89 minus 85 would be 4, तो रिमाइंडर कितना आया 4, now again 5 से डिवाइड कीजिए, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 3 जा 15, आपके पास रिमाइंडर कितना बचेगा 2, और ये 3 जो रिमाइंडर है, 3 को अगर आप 5 से डिवाइड करते जाएंगे तो 3 का रिमाइंडर 3 ही होना, क्योंकि 5 से छोटा है, 5 से छोटा है मतलब कि रिमाइंडर हमेशा 3 ही देना है, तो आपके पास क्या आ गया 3 2 एंड 4, इसको पीछे से लिखेंगे तो 3 2 एंड 4, ठीक है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 2 4। नाउ एक चीज यहां पे मैं आपको बता देता हूं छोटी सी, कि अगर ये बेस 5 में लिखा हुआ है, ठीक है, अगर इसको आपको बेस 10 में कन्वर्ट करना होता तो किस तरीके से करेंगे वो बता देता हूं। जब भी किसी भी बेस से डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले जिस भी बेस से कन्वर्ट कर रहे हैं उसकी पावर्स लिख लेंगे, 5 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 1, 5 टू द पावर 2 ऐसे, और पीछे से 5 टू द पावर 0 के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे, पीछे वाला नंबर 4, 5 टू द पावर के बाद सेकंड वाला डिजिट, यूनिट्स डिजिट से स्टार्ट करते हैं 2, 5 टू द पावर 2 के लिए क्या करेंगे 3, नाउ 5 टू द पावर 0 इज 1, 1 * 4 4, 5 टू द पावर 1 इज 5, 5 * 2 इज 10, 5 पीछे से ही हम स्टार्ट करते हैं यूनिट डिजिट से, तो दिस इज हाउ यू कैन कन्वर्ट बेस 5 टू बेस 10 और इन अ डेसिमल सिस्टम। होप ये आपको समझ आया होगा, दिस कैन बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस। नाउ स्टूडेंट्स एवरेज मार्क ऑन 3 टेस्ट इज 80, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द नंबर ऑफ टेस्ट ऑन विच ही अर्नड एग्जैक्टली 80 मार्क्स। नाउ सबसे सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर आपका लॉजिक काम किया, यहाँ पे कोई मैथमेटिकल सॉल्यूशंस नहीं है इसके, तीन टेस्ट हैं, तीनों का जो एवरेज है, एवरेज कैसे निकालते हैं, जोड़ने के बाद 3 से डिवाइड करेंगे तो 80 आना चाहिए, ठीक है, तो टोटल सम कुल कितना हो जाएगा इन तीनों टेस्ट का 240। इससे आपको वैसे मतलब नहीं होना चाहिए, मैं आपको सिंपल एक चीज बताता हूँ कि 80 एवरेज कितनी कंडीशन में आ सकता है और कितने पेपर्स में उसके 80 मार्क्स हो सकते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन देखते हैं क्या है, 0, क्या ऐसा पॉसिबल है कि उसको एक भी क्वेश्चन या एक भी एग्जाम में 80 मार्क्स ना आए उसके बाद उसका एवरेज 80 हो, दिस इज अ वेरी मच पॉसिबल थिंग। कैसे, अगर आप यहाँ पे 90 लिखते हैं या 75 लिखते हैं या 75 लिखते हैं, सपोज 75 75 इज 150 प्लस 90 इज 240, सम आ रहा डिवाइड बाय 3 करेंगे आपके पास क्या आ जाएगा 80, तो आपका एवरेज 80 आया और अभी एक भी सब्जेक्ट में उसको 80 मार्क्स गेन नहीं किए हैं, अर्न नहीं किए हैं, तो आप समझ सकते हैं कि बिना किसी मतलब जीरो सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स लाए भी वो आपको क्या होना चाहिए, उसके 80 एवरेज मार्क्स आ सकते हैं। सिमिलरली फॉर फर्स्ट सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे बोला कि एक सब्जेक्ट में उसको 80 मार्क्स आए, लेट्स सपोज कि फर्स्ट में उसको 80 आ गए, बाकी दो में क्या हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि उसको 80 ना आए, जैसे 79 एंड 81, आप इन सबको ऐड करेंगे तो 240 ही आना है, तो 40 पे डिवाइड बाय 3 विल बी 80। अगेन यहाँ पे आपने देखा कि एक सब्जेक्ट में आपके पास 80 मार्क्स हैं, दूसरे सब्जेक्ट में 80 मार्क्स नहीं है तो भी आपका जो एवरेज मार्क्स है वो 80 आ रहा है, सो दिस इज ऑल्सो राइट, ये भी आपकी एक वैल्यू हो सकती है यहाँ पे 80 मार्क्स सिर्फ एक सब्जेक्ट में है। नाउ टू, सपोज इफ टू सब्जेक्ट्स आर 80 मार्क्स, देन द थर्ड सब्जेक्ट विल ऑटोमेटिकली बी 80,
तभी आपके पास एवरेज जो होगा वो 240 अपॉन 380 मिलेगा आपको। ये सिर्फ एक ही केस है जहां पे आपको अगर दो सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स आए तो तीसरे में ऑटोमेटिकली मार्क्स 80 होंगे ही, नहीं तो आपको जो 80 एवरेज आ रहा है वो नहीं मिलेगा। एनीथिंग लेस देन 80 और मोर देन 80 विल गिव यू समथिंग एल्स विच इज नॉट 240, तो आपका एवरेज जो होगा वो 80 नहीं आएगा। सो यहाँ पे क्या कंडीशन बन रही है, अगर दो अगर 80 होते हैं तो तीसरा भी 80 ही होगा। इसका मतलब क्या है कि तीनों के तीनों 80 हो सकते हैं, ये एक पॉसिबिलिटी है, लेकिन दो के 80 होने की पॉसिबिलिटी नहीं है। सो सिंपल सा क्या हो जाएगा कि अगर आप टू आंसर लगाते तो सही होगा, थ्री लगाते तो गलत होगा। ये बात आप ध्यान रखें कि तीन के होने के चांसेस हैं लेकिन दो के होने के चांसेस नहीं है। जब भी दो 80 होंगे तीसरा ऑटोमेटिकली भी 80 हो जाएगा, तो तीनों सब्जेक्ट्स में आपके 80 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, ठीक है। सो टू इज नॉट द पॉसिबिलिटी। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन बी इज लेस देन वन, विच ऑफ द इन फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। सबसे पहले तो आप इसको समझ लीजिए क्या लिखा है, जीरो इज लेस देन ए इज लेस देन बी इज लेस देन वन। कहने का मतलब क्या है कि ए इज लेस देन बी है, ठीक है, और दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो जीरो से वन के बीच होंगी, मतलब कि डेसिमल वैल्यूज होंगी। ये बात आप समझ लीजिए। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका सबसे अच्छा क्या है, कोई भी दो डेसिमल वैल्यूज मान लीजिए। लेट्स सपोज मैं ए को 0.3 एंड बी को 0.5 बोल रहा हूँ, जस्ट सपोज, ठीक है। इसके वैल्यू से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सबसे पहला क्या है, ए माइनस बी इज लेस देन जीरो, ठीक है। ए माइनस बी इज लेस देन, ए कितना 0.3 माइनस 0.5 इज लेस देन जीरो, 0.3 माइनस 0.3 माइनस 0.2 which is less than 0, so this is correct, so this is not your answer. Again, 1 upon AB is greater than 1, A ki value is 0.3, B ki value 0.5, should be greater than 1, ye kya ho jayega, 1 upon 0.15, which is greater than 1 only, because decimal hataoge, upar do zero badhenge, to upon 100 upon 15, let me write on the other page, 100 upon 15, ye aap jab isko divide karenge to kitna aayega, 0.3। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए कि जब भी डिनोमिनेटर में अगर न्यूमरेटर सेम है और डिनोमिनेटर की वैल्यू अगर वैरी कर रही है, तो जो डिनोमिनेटर की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी ओवरऑल वो वैल्यू कम होगी। ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि डिनोमिनेटर में जिसकी वैल्यू ज्यादा होगी न्यूमरेटर सेम होने पर, उसकी फ्रैक्शन की ओवरऑल जो वैल्यू है वो कम होगी। यहाँ पे 1/0.5 कितना हो जाएगा, 2 होता है, और यहाँ पे आप सॉल्व करिए तो ये जाएगा 3.3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, इस जो फ्रैक्शन की वैल्यू है वो कितनी है, 2 है, इसकी 3.3 है, तो ये वैल्यू हमेशा कम होगी जो मैंने बोला। तो यहाँ से प्रूफ भी हो रहा है, तो 2 इज ग्रेटर देन 3.3 नहीं, ये इनकरेक्ट या फॉल्स है। तो यही आपका आंसर होगा, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनकरेक्ट क्या है, तो दिस इज योर आंसर। इसको भी आप चेक कर सकते हैं अगर आप चेक करना चाहें तो, वरना इसकी जरूरत नहीं है कि आपको आपका आंसर मिल चुका है ना। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ए बी इज लेस देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन 2। सिंपल सी बात है, a इज 0.3 इंटू 0.5 लेस देन 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.5 का स्क्वायर अपॉन 2। 0.3 इंटू 0.5 भी 0.15 लेस देन 0.3 का स्क्वायर 0.09 प्लस 0.5 का स्क्वायर 0.25 अपॉन 2। इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास आएगा 0.34 अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन 0.15। इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 0.17 विच इज ग्रेटर देन 0.15, सो दिस इज आल्सो करेक्ट, सो दिस विल बी योर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ 25% ऑफ 260 इक्वल्स 6.5% ऑफ 10 टू द पावर ए, व्हाट इज ए। नाउ इफ 25% ऑफ 260 इक्वल्स टू 6.5% ऑफ 10 टू द पावर ए, ए की वैल्यू क्या होगी, 25% इज 1/4, सो 1/4 ऑफ 260 इज इक्वल टू 6.5% इज 6.5 अपॉन 100 ऑफ 10 टू द पावर कितना ए। इसको आप करेंगे तो कितना आएगा, डिवाइड करेंगे तो 4 6 24 एंड 4 5 65 इज इक्वल टू 6.5 अपॉन 100 इंटू 10 टू द पावर ए। 100 को आप यहां भेजेंगे तो 6500 इज इक्वल टू 6.5 इंटू 10 टू द पावर ए। 6.5 को नीचे भेज दीजिए, 6500 अपॉन 6.5 इंटू 10 टू द पावर ए
सॉरी इज इक्वल टू 10 टू द पावर ए, पॉइंट हटाएंगे आप यहाँ पे एक डेसिमल ऊपर बढ़ेगा, दिस विल बी 1000, 65 डिवाइड बाय 65,000 डिवाइड बाय 65 विल बी 1000 इज इक्वल टू 10 टू द पावर ए, तो 1000 क्या होता है 10 टू द पावर 3, सो 10 टू द पावर ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 3, एंड दिस इज योर आंसर। तो आपको समझ आया कितना इजी क्वेश्चन है, इसलिए आपको लैंग्वेज और परसेंटेज का खेल है, आप अपना परसेंटेज सही सही रखते गए आपकी वैल्यूज ऑटोमेटिकली आएंगी, बहुत ज्यादा टफ बोलना चाहिए आपको, यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो बहुत इजी है, बहुत ज्यादा टफ कैलकुलेशन नहीं है। नाउ हाउ मेनी ट्राइंगल्स आर प्रेजेंट इन द फिगर, इस फिगर में कितने ट्राइंगल्स प्रेजेंट है। सबसे पहले आपको जो मैंने आपको तरीका बताया, या तो आप इसमें नेमिंग कर लीजिए, सपोज ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, और यहाँ पे आप ट्राइंगल्स के नाम लिखते चलिए, मैं आपको वैसे नंबर एक कर दे रहा हूँ 1, 2, 3 एंड 4, ये चार बेसिक ट्राइंगल है, 5, 6, 7, 8, 8 आपको साफ साफ दिख रहे होंगे। नाउ बाकी के ट्राइंगल्स कैसे दिखेंगे आप, आपको अब आप ये देखिए नाम लिख रहा हूँ बाकी के ट्राइंगल्स के, यहाँ पे दिखेगा बी एच एफ इज अ ट्राइंगल, बी डी एफ इज अ ट्राइंगल एंड बी एच डी इज अ ट्राइंगल, अगेन दिस वन डी एच एफ दिस इज ऑल्सो अ ट्राइंगल, सो आपके पास चार ट्राइंगल और हो गए, तो टोटल कितने ट्राइंगल हो गए 8 + 4 = 12 ट्राइंगल्स, एंड दिस इज योर आंसर। इसके अलावा आपके पास अगर देखिए तो कोई और ट्राइंगल नहीं दिख रहा है, सबसे इजी एक तरीका बताऊं तो यही होता है नॉर्मल क्लेचर, जो जो आपको नहीं दिख रहा है उसके लिए आप नॉर्मल क्लेचर कर लीजिए, आपको दिखने लगेगा सबकी यहाँ पे इस तरीके से ये इस तरीके से ये बन रहा है, तो आपको देखने के लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। नाउ अ मैन गोज टू द हाउस ऑफ सीता हु इज नेबर ऑफ गीता हु हैज अ डॉटर नेम्ड मीरा, ठीक है सीता है उसका एक नेबर है गीता, गीता की एक बेटी है मीरा, आशु इज अमन्स फादर एंड इज मैरिड टू अंजलि, मतलब आशु जो है वो अमन के पिता है एंड ही इज मैरिड टू अंजलि, उन्होंने अंजलि से शादी की है, हु इज सिस्टर ऑफ गीता जो कि गीता की बहन है, हाउ इज मीरा रिलेटेड टू अंजलि, यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना कि मीरा अंजलि की क्या लगती है ये पूछा गया है, ना कि अंजलि मीरा की क्या लगती है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आप ध्यान रखेंगे कि हाउ इज मीरा रिलेटेड टू अंजलि, मीरा के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, ठीक है तो आंसर देना आपको मीरा के रेस्पेक्ट में। मेन गोज टू द हाउस ऑफ सीता, लेट्स सपोज कि ये सीता का घर है, ठीक है हु इज नेबर ऑफ गीता, गीता का घर उसके बगल में, एंड हु इज अ डॉटर मीरा, इसकी एक डॉटर है मीरा, ठीक है आशु इज अमन फादर एंड इज मैरिड टू अंजलि, तीसरा अलग ही घर चल रहा है जिसकी अभी कहानी शुरू हुई है, क्या कि आशु इज अमन फादर एंड हु इज मैरिड टू अंजलि, ये अंजलि का घर समझ लीजिए आप, ठीक है इसने किससे शादी की है मैरिड टू आशु, इसका एक सन है अमन, ठीक है नाउ क्या एक चीज और बताई गई हमें इन्फॉर्मेशन क्या है, हु इज सिस्टर ऑफ गीता, तो अंजलि इज सिस्टर ऑफ गीता, तो ये इसकी सिस्टर है। आपसे पूछा गया कि मीरा किस तरीके से अंजलि से रिलेटेड है, तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मीरा की जो मम्मी है गीता, गीता एंड अंजलि आर सिस्टर्स, ठीक है तो जैसे आपकी मम्मी की बहन है आपकी मौसी लगती है, तो यहाँ पे क्या लगेंगी आपकी आंट होंगी, ठीक है ना, लेकिन मीरा के रिस्पेक्ट में अगर बात करेंगे तो मीरा उनकी क्या लगेगी, मीरा उनकी क्या होगी नीस, ये जो आंसर आपको दिए गए नीस भी दिया है आंट भी दिया हुआ है, तो आप ध्यान रखेंगे कि क्या लगेंगे अगर आपको पूछा जाता है कि अंजलि मीरा की क्या लगता है, हाउ इज अंजलि रिलेटेड टू मीरा, तो आपका आंसर होता है आंट, लेकिन आपसे पूछा गया कि हाउ इज मीरा रिलेटेड टू अंजलि, तो आपका आंसर होना चाहिए नीस, इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, बाकी क्वेश्चन बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल सा इक्वेशन है, वन लाइन में सब चीज हो रही है। नाउ विद दिस आई एम बाइंडिंग दिस लेक्चर एंड होप ये सेशन आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा हो, गाइज प्लीज लाइक फॉलो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल स्मार्ट एन एकेडमी फॉर मोर वीडियोस, यहाँ पे कुछ आपको बायोटेक के वीडियोस भी हैं अवेलेबल हैं आप देख सकते हैं, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो विच इज वेरी नियर आई गेस ऑन 3rd October एग्जाम है आपका, तो गाइज प्लीज बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग, थैंक यू।